Hello everyone, welcome to our YouTube channel, My View My Channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment, visit our website www.teachingpoint.org.in. Question number 5, NCERT. Calculate the EMF of the cell in which the following reaction takes place. Ni twice of Ag plus will gives you Ni2 plus, plus twice of Ag. E naught value है 1.05 volt. तो भाई इस क्वेश्चन को जब हम भी प्रोसीड करेंगे तो हमें देखो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे रिएक्टेंट में आयन का मोलर कंसेंट्रेशन दे रखा है, प्रोडक्ट में आयन का मोलर कंसेंट्रेशन दे रखा है. तो जब भी हमें ईएमएफ निकालना है इस कंडीशन में तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला लगेगा. और नर्स इक्वेशन में कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? ई सेल का. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू डाली, दैट इज 1.05 माइनस 0.0591. एन की वैल्यू देखिए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू जो होगी वो होगी 2. तो हमने एन की जगह क्या लिख दिया? 2 लॉग जो प्रोडक्ट साइड में जो आपका आयन है वो है एन आई 2 प्लस, और रिएक्टेंट साइड में जो आयन है वो है ए जी प्लस. ए जी प्लस के आगे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है जो पावर में चला जाएगा. क्लियर है? तो हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग एन आई 2 प्लस की वैल्यू लिखी हमने 0.160 डिवाइडेड बाय ए जी प्लस की वैल्यू लिखी हमने 0.002 इंटू 0.002. हमने दो बार इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था. देखो यहाँ से डेसिमल हटाया, यहाँ से डेसिमल हटाया तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 10 to the power 6. यहाँ से डेसिमल हटाया तो नीचे लगाने पड़ेंगे 1 के बाद 3 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 8 16 और 2 4 8. तो अल्टीमेटली जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1.05 माइनस 0.0591 टू लॉग 4 इंटू 10 to the power 4. अब क्या करेंगे हम इसका लॉग सॉल्व करेंगे. किस तरह से सॉल्व होगा देखिए. सबसे पहले हमने लिखा 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2, फिर लिखा हमने लॉग 4 प्लस 4 लॉग 10. क्लियर है? वैल्यू पुट करी 1.05 माइनस 0.0591 टू लॉग 4 की वैल्यू जब देखेंगे तो हम लॉग टेबल में 40 की जीरो पे देखेंगे जिसकी वैल्यू होती है 0.6021 प्लस 4, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1. ओके, तो भी लॉग सभी को देखना आना चाहिए. लॉग वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लॉग देखना आना चाहिए. नाउ वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड. अब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को और इसमें देखेंगे, इन सबको कैलकुलेशन करेंगे. जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पे 1.05 माइनस, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 0.0591 अपॉन 2 इंटू 4.6021. जब हम इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.05 माइनस 0.14. ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 0.91 वोल्ट. ओके, ये वैल्यू आएगी ई सेल की. ओके, तो आप सभी को ये पॉइंट समझ में आया?